5 सितंबर को जियो अपना जियो फाइबर लॉन्च करने वाला है। ऐसे में आपके मन में एक शंका तो जरूर आई होगी, लघु शंका या बड़ी शंका या दीर्घ शंका जिसको बोल सकते हो वो आई होगी कि असल में ये जियो फाइबर है क्या। तो आइए आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि जियो फाइबर होता क्या है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, हम इसी की बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुखिल, आप देख रहे हैं पॉक्सीटेक्स। तो आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जियो फाइबर बेस्ड है FTTH टेक्नोलॉजी पर। FTTH का मतलब ये होता है कि फाइबर टू द होम। असल में हम इसको FTTP भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि फाइबर टू द प्रीमिसेस, यानी जहां पे उसकी जरूरत है। असल में ये जो फाइबर है यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है, फाइबर वर्ड मेनली एक तरीके से केबल है जो कि एक सेंट्रल पोजिशन से आपके घर तक भेजी जाएगी। ये घर तक भेजने वाली जो केबल होगी वो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। आपने 9th, 10th, 11th या उसके बाद में भी कुछ कंप्यूटर की बुक्स पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का नाम तो जरूर सुना होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का नाम हमने बुक्स तक ही देखा है, इंडिया में कभी हमने इसका यूज भी नहीं देखा होगा। ऐसे में ये जो चीजें हैं ये अभी बाहर की तरफ आई है, लेकिन जियो इसको हमारे अंदर तक भी ला रहा है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है इनके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं उनका जो लॉसेस होता है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से इसके थ्रू जो हमारे घर में स्पीड आएगी, इंटरनेट स्पीड आएगी, वो बहुत ज्यादा आने वाली है। जियो फाइबर या हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से किसी भी रेजिडेंस, अपार्टमेंट, कोई भी बिजनेस मॉडल या कहीं भी किसी टाइप की रेजिडेंस वाली जगह पर ये केबल्स पहुंचाई जा सकती है। ये डायरेक्ट एक सेंट्रल पोजीशन से आपके घर तक एक केबल जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से आपको हाई इंटरनेट स्पीड एक्सेस करने में मदद मिल पाती है। FTTH की मदद से आपकी जो करंट स्पीड आ रही है उससे कई गुना तक आपकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक की इसकी जो टेस्ट स्पीड है वो 100 Mbps के आसपास आई है। Mbps में जो B है वो बिट पर सेकंड वाला है, ना कि बाइट पर सेकंड वाला। तो इसी वजह से जो आपकी जो टेस्टेड स्पीड है अभी तक वो 100 Mbps तक है, यानी इसका जो दावा किया है रिलायंस जियो ने, उसने 1 Gbps तक की स्पीड का दावा किया है। इसमें भी जो 1 Gbps में भी बी है वो बिट पर सेकंड वाला ही है। तो अभी तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड होगी जो नॉर्मल केबल हम यूज करते हैं DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसके मुकाबले 10 से 20 गुना या उससे भी ज्यादा गुना तक जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। तो जियो फाइबर जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपको इतनी स्पीड देखने को मिलेगी कि आप किसी भी तरीके की टीवी को स्ट्रीम कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि आप अभी कोई भी अपना टीवी चलाते हैं या कोई भी चैनल चलाते हैं तो वो एकदम अटक अटक के चलता है, लेकिन इसकी मदद से आप जैसे रियल में जैसे टीवी देखते हैं वैसे ही टीवी देख पाएंगे, और यही इसका सबसे बड़ा मकसद है। क्योंकि जियो इसके साथ में 4K टीवी भी लॉन्च कर रहा है, अभी फ्री होगा या नहीं होगा उसका नहीं पता। साथ में 4K सेटअप बॉक्स दे रहा है जो कि अभी तक इंडिया में किसी ने भी नहीं दिया है, खास करके इंडिया में बोलते तो है लॉन्च होगा लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और ये 4K सेटअप बॉक्स के थ्रू ही इसके साथ में ही जियो गीगा फाइबर वाली टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसकी मदद से आप जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं 100 Mbps तक की स्पीड को। असल में इसकी जो तारीख है वो 5 सितंबर को लॉन्च करने की रखी गई है, और इसकी जो लॉन्च डेट है उसी के साथ में ही प्लांस भी उसी टाइम रिलीज किए जाएंगे। जो इसके वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग होंगे, और इसी वजह से 700 से 10,000 तक के बीच में अलग अलग प्राइसिंग के अंदर इसकी प्राइस रखी गई है। अब इसकी जो असल प्राइस है वो कब तक और कितनी निकल के आती है वो 5 तारीख को ही पता लगेगी। तो अब ऐसे में जियो फाइबर लेना आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा यदि आपको हाई इंटरनेट स्पीड एक्सेस करनी है, 4K टीवी यूज करना है और 4K सेटअप बॉक्स यूज करना है। तो ऐसे आने वाले टाइम पे जियो यहाँ पर भी अपना कब्जा करने वाला है। तो बेसिकली जो जियो फाइबर टेक्नोलॉजी है वो काम करती है ऑप्टिकल फाइबर्स पर, और ये पहली बार यूज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर तो बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी बहुत कम यूज किया गया होगा, कहीं एक आध जगह यूज किया होगा तो मेरे को नहीं पता है। लेकिन पूरी तरीके से ऑन पब्लिक जो पब्लिक्स को दिया जा रहा है कई सिटीज के अंदर, करीबन 1100 से 1200 सिटीज के अंदर ये सर्विस दी जाएगी 5 सितंबर के बाद से। तो इसके लिए जियो ने ये भी पहले से तैयारी कर ली है कि एक वेलकम ऑफर भी रखेंगे, जैसे कि पहले दिया था 1 GB डाटा मुफ्त देने का, कुछ इस तरीके का ये ऑफर रखने वाले हैं, जिसकी मदद से शायद ये हमारे को वापस लत लगा देंगे और हम ये टेक्नोलॉजी भी शायद यूज करने लग जाएंगे। तो यही थी जियो गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। बी सेफ, सेफ ट्रीज़।